अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी असिस्टेंट एस एन गैट के पास पेपर एमसीक्यूज। इस वीडियो पे हमारे पास मौजूद है 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली असिस्टेंट एस एन गैट एस से मुरादा सर्विसेज और गैट से मुरादा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 108 सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हैं और आज लास्ट डेट आज 5 अगस्त है। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके अलावा उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो किसी भी पीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सारे पीपीएससी के अक्सर जो एग्जाम्स हैं वो वन पेपर एमसीक्यू पे बेस करते हैं। वन पेपर एमसीक्यू से क्या मुराद है? वन पेपर एमसीक्यू का मतलब होता है कि एक पेपर से ही आपको डिसाइड हो जाता है कि यू आर क्वालिफाइंग और नॉट। वन पेपर एमसीक्यू में 100 एमसीक्यूज होते हैं, और आज की वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट एस एन गैट के पास पेपर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमारे पास मौजूद हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मच कंडीशंस फॉर अ सही हदीस। सही हदीस के लिए कितनी शरायत हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो आपने याद रखना है कि देर आर 5 कंडीशंस फॉर सही हदीस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शेयर ऑफ वाइफ इफ नो इंटाइटल्ड डिसेंडेंट्स एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन नहीं है, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, तो वाइफ का प्रॉपर्टी के अंदर शेयर कितना होगा? तो इसका आंसर हमारे पास है 1/4। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि शेयर ऑफ वाइफ जो है ये 1/4 होगा इफ नो इंटाइटल्ड डिसेंडेंट्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ज़कात इन ग्राम्स ऑन सिल्वर। सिल्वर के ऊपर ज़कात की जो रेशियो है ग्राम्स के अंदर वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 612.36 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इफ़ समबडी आस्क यू इन एन इंटरव्यू और एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछे कि रेशियो ऑफ जो ज़कात है ग्राम्स के अंदर वो सिल्वर पे कितनी है, तो आपने याद रखना है कि 612.36 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। अ वर्ड्स ऑफ होली कुरान विच सहाबी नेम, कौन सी वर्ड्स है, एक वर्ड्स है कुरान पाक की जो कि सहाबी के नेम पे है, वो कौन से सहाबी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है हज़रत जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वर्ड्स ऑफ होली कुरान विच सहाबी नेम हज़रत जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। When was World Bank established? World Bank जो है वो कब establish हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है July 1944। तो आपने याद रखना है कि World Bank was established in July 1944। The Earth Summit in 1992 was held in, जो Earth Summit हुआ था 1992 के अंदर वो कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में हुआ था, रिओ डी जेनेरियो में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है रिओ डी जेनेरियो। तो आपने याद रखना है कि जो 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था वो रिओ डी जेनेरियो में हुआ था। सिनोनिम ऑफ प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का सिनोनिम जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है राइट। सो प्रेरोगेटिव का जो सिनोनिम है वो राइट है। ब्लड डज नॉट क्लॉट इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ब्लड जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर क्लॉट नहीं करता, क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा केमिकल या हार्मोन आप कह सकते हैं वो होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता, वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हेपरिन। तो आपने याद रखना है कि ब्लड जो है डज नॉट क्लॉट इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन, इस वजह से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं करता। जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लड थिकन्ड हो जाता है या ब्लड क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं समटाइम्स इन ओल्ड एज, तो उनमें हेपरिन का इंजेक्शन लगता है ताकि ब्लड को क्लॉट में शिफ्ट ना होने दिया जाए। तो इसी तरह नेचुरल हेपरिन भी हमारी बॉडी में होता है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू, माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आपने बताया कि सबसे लोएस्ट लेयर जो है वो एटमोसफेयर की वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर। साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइन ह्यूमन ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फाइन ह्यूमन ऑफस्प्रिंग्स वो किसके अंडर आती है? बायोलॉजी में आती है, जेनेटिक्स में आती है या यूजेनिक्स में आती है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूजेनिक्स। एंटोनिम ऑफ फैटियस, फैटियस का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम कहते हैं ऑपोजिट वर्ड को, मुतजाद को। तो इसका आंसर हमारे पास है सेंसिबल। तो आपने याद रखने के फैटियस का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है सेंसिबल। एंटोनिम ऑफ सर्टोरियल, सर्टोरियल का ऑपोजिट वर्ड क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है होमस्पन। होमस्पन जो है वो एंटोनिम है सर्टोरियल का। सिनोनिम ऑफ सिमुलेट, सिमुलेट का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम कहते हैं सेम वर्ड को, सेम मीनिंग वाले वर्ड को। तो इसका आंसर हमारे पास है इमिटेट।
आपने याद रखेंगे सिमुलेट का मतलब क्या है, इमिटेट। सिनोनिम ऑफ डेकेडेंस, डेकेडेंस का क्या सिमिलर वर्ड है, तो इसका आंसर हमारे पास है प्योर, पुअर। ठीक है, पुअर मतलब कि पुअर करना, डेकेडेंस का ये मीनिंग है। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड फेज टू द लिक्विड फेज इज नॉन एज, आपने उस प्रोसेस का बताना है जिससे सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है मेल्टिंग। इट्स एन एवरीडे साइंस क्वेश्चन कि आपने उस प्रोसेस का बताना है कि किससे जो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 220 मिलीग्राम, 220 मिलीग्राम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 0.005 मोल्स। फ्लावर्स ऑफ मोनोकोट्स हैव हाउ मेनी फ्लोरल पार्ट्स, फ्लावर्स के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं तो इसमें मोनोकोट्स भी होते हैं डाइकोट्स भी होते हैं, तो मोनोकोट्स के अंदर फ्लोरल पार्ट्स जो है वो कितने होते हैं फ्लावर्स के, तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो अपने याद रखने के फ्लावर्स ऑफ मोनोकोट्स हैव 3 फ्लोरल पार्ट्स। आइस लुक्स वाइट बिकॉज, आइस जो है बर्फ जो है वो हमें वाइट दिखाई देती है, क्यों, इसकी कोई रीजन होनी चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट्स, इट एब्जॉर्ब ऑल लाइट्स, ट्रैप्ड एयर बबल्स एंड मिनरल्स या नन ऑफ दिस, इसका आंसर हमारे पास है ड्यू टू ट्रैप्ड एयर बबल्स एंड मिनरल्स। तो ट्रैप्ड एयर बबल्स और मिनरल की वजह से जो बर्फ है जो आइस है वो हमें वाइट नजर आती है। फाइंड द ओड वन आउट फिश टॉर्टाइज फ्रॉग, इसमें से आपने ओड वन फाइंड करना है फिश टॉर्टाइज फ्रॉग में से, तो इसमें से ओड जो है वो फिश है, क्योंकि टॉर्टल्स और फ्रॉग तकरीबन एक कैटेगरी में आ जाते हैं जबकि फिश जो है वो अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि जो टॉर्टल्स है वो और जो फ्रॉग है ये दोनों वो चीज़ें हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, जबकि फिश जो है वो सिर्फ वाटर में रह सकती है, इसलिए इन दोनों से ये डिफरेंट है। वट इज़ द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, इसमें आपने मिसिंग नंबर बताना है, 100 से देखें माइनस हुए 19 तो क्या आ गया 81, इस तरह से आपने एक सीरीज में से मिसिंग नंबर बताना है, तो 49 के बाद हमारे पास आएगा 36। फॉरेन पॉलिसी डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ कंट्री, एक जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कंट्री की किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन होती है, तो इसका आंसर हमारे पास है नेशनल इंटरेस्ट। तो आपने याद रखने की फॉरेन पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट। GATT स्टैंड फॉर, GATT जो है वो किस चीज़ की एब्रीवेशन है, तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये आपने याद रखना है कि GATT स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है FOIP स्टैंड फॉर, FOIP की जो एब्रीवेशन है वो किसकी है, तो इसका आंसर हमारे पास है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो ये आपने याद रखना है कि FOIP स्टैंड फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। हु इज सेड टू बी इलेक्टेड फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कौन जो है वो इंडिया की पहली ट्राइबल वुमन प्रेजिडेंट इलेक्ट हुई थी, तो इसका आंसर हमारे पास है द्रौपदी मुर्मू। सो द्रौपदी मुर्मू इज सेड टू बी इलेक्टेड फर्स्ट ट्राइबल वुमन President of India. What is the opposite of improvident? Improvident का opposite word क्या है, तो इसका answer हमारे पास है cautious. When did the Cold War officially end? Cold War जो है वो officially कब खत्म हुई, तो इसका answer हमारे पास है 1991. तो आपने याद रखना कि Cold War जो है वो 1991 के अंदर जो है वो end हुई. पाकिस्तान ऑब्जर्व विच यूनिवर्सिटी ऑफ APS पेशावर ट्रेजेडी ऑन 16 दिसंबर 2020, अगर हम 16 दिसंबर 2020 की बात करें तो तब पाकिस्तान ने APS पेशावर की ट्रेजेडी जो है वो कौन सी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी, तो इसी तरह 2024 में आपसे पूछा जा सकता है कि 16 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान जो है वो कौन सी एनिवर्सरी जो है वो APS पेशावर ट्रेजेडी की ऑब्जर्व करेगा, और अगर हम 2020 की बात करें तो वो कर रहा है 2020 में 6th एनिवर्सरी ऑब्जर्व हुई थी और 2024 में होगी 10वीं एनिवर्सरी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर ट्रेजेडी की। पाकिस्तान स्टांस ऑन इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर SCO, तो इसका आंसर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। ठीक है, पाकिस्तान स्टांस ऑन इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर एज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। विच कंट्री वॉज ऑफिशियली एसोसिएटेड विद डेटन एग्रीमेंट, कौन सी कंट्री जो है वो ऑफिशियली एसोसिएटेड है डेटन एग्रीमेंट के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, हर्जेगोविना और बोस्निया जो है दे इज कंट्रीज आर ऑफिशियली एसोसिएटेड विद डेटन एग्रीमेंट। SCO स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर हमारे पास है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एट हुज रिक्वेस्ट हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान टू ज़ैद बिन साबित, किसकी रिक्वेस्ट पे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जो होली कुरान की कंपाइलेशन था उसका जो टास्क है वो हजरत जैद बिन साबित को दिया, किसकी रिक्वेस्ट पे, तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो। तो आपने याद रखनी है कि एट हजरत
उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रिक्वेस्ट हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान टू ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। टोटल मेंबर्स ऑफ सार्क आर, सार्क के जो है वो टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 8। वर्ल्ड वॉर टू वॉज आउटब्रेक ड्यू टू द अटैक ऑफ जर्मनी ऑन, वर्ल्ड वॉर टू जो एक आउटब्रेक थी जो कि जर्मनी का अटैक था कौन सी कंट्री पे, तो इसका आंसर हमारे पास है पोलैंड। सो वर्ल्ड वॉर टू वॉज आउटब्रेक ड्यू टू अटैक ऑफ जर्मनी ऑन पोलैंड। पेरिस पैक्ट एंडेड विद, पेरिस पैक्ट जो है वो किसके साथ एंड हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के साथ हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के साथ हुआ, या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ एंड हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड वॉर टू। तो आपने याद रखना कि पेरिस पैक्ट एंडेड विद वर्ल्ड वॉर टू। When did America enter Afghanistan? America ने अफगानिस्तान में कब एंटर किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 2001। तो आपने याद रखना कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंटर किया। करंट इज अ, अच्छा समटाइम एग्जाम में अगर सी यू डबल आर ए एन टी लिखा होगा तो वो एक फ्रूट है, लेकिन अगर ई एन टी है तो आपको पता है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो आपने याद रखना कि करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एयर प्रेशर को मेजर करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है बैरोमीटर। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो कि एयर प्रेशर को मेजर करता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है या आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर दें कि इलेक्ट्रोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, थर्मामीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और हाइड्रोमीटर, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। जबकि एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो बैरोमीटर है वो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ सहीहीन, सहीहीन जो है वो किसको कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है बुखारी एंड मुस्लिम को सहीहीन कहा जाता है। Who was the fifth rightest caliph of Hijaz? Hijaz के पांचवें rightest caliph जो हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज। The name of Turkish currencies, Turkish currency का नेम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है लीरा। ठीक है, Turkish lira जो है ये Turkish currency का नेम है। The sky appears blue because of, sky जो है आसमान जो है वो blue नजर आता है क्यों? तो इसका आंसर हमारे पास है due to scattering of light from the atmosphere. एटमोसफेयर से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्काई जो है वो अपेयर एज अ ब्लू। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, इन विच नबी ईयर द सोशल बायकॉट ऑफ बनु हाशिम वाज स्टार्टेड, कौन से नबी साल के अंदर जो है सोशल बायकॉट जो है बनु हाशिम का वो स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 7th नबी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि इन 7th नबी द सोशल बायकॉट ऑफ बनु हाशिम वाज स्टार्टेड 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। तो इसके बाद हमारे पास आएगा 100। कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज, बेल्जियम का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रसल्स। तो आपने याद रखना कि कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रसल्स। एनपीटी स्टैंड्स फॉर, एनपीटी जो है वो किस चीज़ की एब्रिविएशन है? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी। तो आपने याद रखना कि एनपीटी स्टैंड्स फॉर नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी। द वोल्टेज अक्रॉस द 100 वॉट कंडक्टर इज 250 वोल्ट। द करंट इज, ये आपने जो है वो करंट का फार्मूला देखना है गूगल से और आपको ये इसके कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पीयर। करंट के जो यूनिट होते हैं वो एम्पेयर होते हैं। द मोस्ट लर्नड वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो वाइफ थी सबसे ज़्यादा जो है पढ़ी लिखी वाइफ जो है उनकी कौन थी? तो इसका आंसर हमारे पास है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। तो आपने यहाँ रखना है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वाज़ द मोस्ट लर्नड वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Which of the following is considered as latest browser? Mosaic, Google Chrome, Mozilla, Firefox, ये तीनों ही ब्राउजर्स हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउजर जो है वो है Google Chrome। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, Who was the second Governor General of Pakistan? आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि सेकंड गवर्नर जनरल पाकिस्तान जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है सर ख्वाजा नाजिमुद्दीन। तो आपने याद रखना है कि सर ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।